इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नीलेश कुमार जैन, श्रीमती चंचल जैन, मयंक जैन, श्रीमती आयुषी जैन, हर्षिता जैन, मनन जैन, द्रव्या जैन एवं समस्त मोकरवाड़ा परिवार, नगरीवाला, दलौदा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे भव्य मान स्तंभ, भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह की मंगलकारी झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य गुरुवर वीर सागर जी महाराज प्रसाद वाले की पावन प्रेरणा एवं परम पूज्य आचार्य श्री सनमति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर स्थित दलौदा में 7 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया। इसमें भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर समारोह का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी आनंद उठाते हैं समारोह के मनमोहक दृश्य। मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर दीपक कॉलोनी दलौदा में 7 दिसंबर 2022 को परम पूज्य गुरुवर वीर सागर जी महाराज प्रसाद वाले की पावन प्रेरणा एवं परम पूज्य आचार्य श्री सनमति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से और परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में भव्य मान स्तंभ भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। प्रभु अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त किया। मन में बाजन लागी भक्ति गुरुवर थारे नावरी, मन में बाजन लागी भक्ति गुरुवर थारे नावरी, आई शुभ घड़ी देखो आज पूजन करवानी, आई शुभ घड़ी देखो आज पूजन करवानी। सुंदर है आचरण तुम्हारा, सुंदर मुनिवर भीसलिया, सुंदर स्वभाव। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद समय था साधु साध्वियों के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें समारोह में उपस्थित साधुओं ने भक्तों को धर्म से जोड़ा। वही पुण्यात्मा होता है जो अपने सत्कार की कमाई को सत्कार्यों में लगाकर सुकृत के काम करे और सुकृत में ही अपनी कमाई का व्यय करके पर भव की बैंक में अपनी एफडी करा दे। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं, अगर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सब कुछ गुरु के अंदर गुण विद्यमान होते हैं। कैसे? जैसे गुरु हमारे मिथ्यात रूपी रोगों का नाश करते हैं, तो वे एक अच्छे डॉक्टर हैं और हमारी जीवन शैली को जीना सिखाते हैं। साधुओं के प्रवचनों के बाद फिर आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर भक्तों ने अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं, हो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। पाद प्रक्षालन के बाद भक्तों ने गुरुदेव ससंग को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। दुख मेट दो जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। इसी मंगल अवसर पर समारोह में उपस्थित भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम।
की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। शंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम। धर्मनगरी लोहाड़िया में 27 जनवरी 2023 को होने वाली जैनेश्वरी दीक्षा के दीक्षार्थी ब्रह्मचारी नरेंद्र भैया जी का भी भक्तों ने सम्मान किया। जोरदार तालियां दीक्षार्थी, भावी दीक्षार्थी हमारी ब्रह्मचारी नरेंद्र भैया जी, जो कि 27 जनवरी को लोहाड़िया धर्मनगरी में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त होने वाले हैं। सम्मान की कड़ी के बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों के माध्यम से भगवान महावीर के सिद्धांतों को बतलाया। किंतु भगवान ने महावीर का एक ऐसा नाम है, वो मात भारत नहीं पूरा का पूरा विश्व भगवान महावीर को याद करता है, क्योंकि भगवान महावीर ने आपको वो सिद्धांत दिए हैं जो सिद्धांत आज भी लागू हो रहे हैं और आने वाले समय में भी लागू होंगे। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद मान स्तंभ निर्माणकर्ता पुण्यशाली मोकरवाड़ा परिवार के श्री नीलेश कुमार जैन, श्रीमती चंचल जैन, मयंक जैन, श्रीमती आयुषी जैन, हर्षिका जैन, मनन जैन, द्रव्या जैन के साथ अन्य भक्तों ने भूमि पूजन करते हुए शिला पट रख मान स्तंभ का शिलान्यास किया और अपने जीवन को धन्य बनाया। ओम आम गोम वाय कुमार देव सर्वविघ्ननाशम हे भूताम क्रो क्रो ओम फट स्वाहा। ओम आम क्रोमीम मे कुमार देवाय तमर्गम ग्राण ग्राण स्वाहा। ओम आम क्रोमीम मे कुमार देव धाराम प्रक्षालय प्रक्षालय अम हम सम वम झम ठम छ फट स्वाहा। ओम ह्रीम छीम भूसद्धतु स्वाहा। ओम आम क्रोमीम वन्य कुमार देव त्रागच्छा स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ पर पुष्पांजलि छिपामि। ओम आम करामी वन्नी कुमार देवाय स्वाहा। समारोह के अंतिम बेला में कुछ महानुभावों ने समारोह को लेकर अपने भाव कुछ यूं व्यक्त किए। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के सानिध्य में आज दलोदा ग्राम में श्री नीलेश कुमार जी, मयंक कुमार जी, मनन कुमार जी जैन द्वारा जो मान स्तंभ का शिलान्यास किया गया वो बहुत ही सुखद अनुभूति वाला है। मानस्तम शिलान्यास एवं उसका निर्माण करा रहा हूँ। गुरुदेव का सपना था वीर सागर जी महाराज का कि यहाँ एक मानस्तम बने, लेकिन अचानक गुरुदेव की समाधि हुई, उसके बाद गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज के सानिध्य मिला एवं गुरुदेव के सानिध्य में आज मानस्तम शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। सभी गुरु चरणों में मेरा नमन वंदन, आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन वंदन। आचार्य भगवान सुंदर सागर जी के सानिध्य में एवं गुरुदेव वीर सागर जी के पावन आशीर्वाद से इस भव्य मानस्तंभ का शिलान्यास समारोह सानंद पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ एवं दलोदा समाज एवं बाहर से पधारे सभी अतिथि मेहमानों का हृदय से आभार। आप सभी पधारे दर्शकों, भी आप देख रहे थे भव्य मानस्तंभ भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह के पावन दृश्य। ये समारोह मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर स्थित दलोदा में 7 दिसंबर 2022 को परम पूज्य गुरुवर वीर सागर जी महाराज प्रसाद वाले की पावन प्रेरणा एवं परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में भक्ति भाव के साथ सानंद संपन्न किया गया, जिसमें आपने देखा कि पुण्यशाली परिवारों ने मान स्तंभ का शिलान्यास कर अपने जीवन के पुण्यों में वृद्धि की। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और दीजिए मुझे आज्ञा। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नीलेश कुमार जैन, श्रीमती चंचल जैन, मयंक जैन, श्रीमती आयुषी जैन, हर्षिता जैन, मनन जैन, द्रव्या जैन एवं समस्त मोकरवाड़ा परिवार नगरीवाला दलौदा।